प्यार साथियों, देखिए सवाल कुछ प्रकार से हमारे सामने। ये कह रहा है, वन ईयर अगो अ फादर वॉज फोर टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। इन सिक्स ईयर्स टाइम हिज एज एक्सीड्स ट्वाइस इज ट्वाइस सन्स एज बाय नाइन ईयर्स। द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस इज। ये कहना चाह रहा है सर कि भैया एक पिताजी है, एक पिता है जो अपने बेटे की एक साल पहले अपने बेटे से की एज का चार गुना है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अब से छह साल बाद जो है उस वो अपने बेटे के दुगने से नौ साल ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो कह रहा है कि उसका प्रेजेंट एज का रेशियो बताओ क्या होगा सर, ठीक है। तो भैया ये बना लेते हैं जरा फादर को एक मिनट के लिए। ये हमारा हो गया फादर, ये फादर साहब है भैया, ये बहुत बढ़िया एकदम छह बारह वाले। ठीक है, ये फादर है और इसका बेटा है सन। ये कुछ इस तरीके से हमारा सन आ गया, ठीक है। तो उसने बोला है कि जो जो पिताजी है वो एक साल पहले अपने बेटे की उम्र से उम्र का चार गुना था, ठीक है। तो एक साल वन ईयर की बात कर लेते हैं, वन ईयर अगो। तो भैया आपको पता है कि अगर इसका बेटा एक्स था तो ये उसका फोर टाइम्स था, यानी फोर एक्स हो जाएगा। अब प्रेजेंट में आने के लिए इसको एक साल बढ़ाना पड़ेगा, प्रेजेंट में आने के लिए इसको फोर एक्स प्लस वन होना पड़ेगा और इसको भी एक्स प्लस वन होना पड़ेगा सर। भाई इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, इसमें तो हमको डाउट है ही नहीं, ये तो होना ही पड़ेगा। अब हमसे कह रहा है इन सिक्स ईयर्स टाइम हिज एज एक्सीड्स बाय, ठीक है, एक्सीड्स हिज सन एज बाय नाइन ईयर्स, ठीक है, दोनों ट्वाइस के से नाइन। सिक्स ईयर्स में इन सिक्स ईयर्स टाइम हिज एज एक्सीड्स ट्वाइस इज सन्स, ठीक है, सन्स एज बाय नाइन ईयर्स। द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज, मतलब कहना चाह रहा है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि भैया जो अब से जो अगले आने वाले छह साल हैं, ठीक है, उनमें जो उसके पिता की एज होगी वो उसके बेटे की एज के दुगने से नौ साल ज्यादा होगी, ठीक है। मतलब कहने का ये है, यानी कि छह साल बाद आफ्टर सिक्स ईयर्स ठीक है, आफ्टर सिक्स ईयर्स क्या होगा सर, ये छह साल बड़े हो जाएंगे, ये 4x प्लस 6 का 6 यानी कि 7 का हो जाएगा, वन है पहले से, ये तो 6 आएगा 7 हो जाएगा और ये भी आपका x प्लस 7 हो जाएगा। तो अब क्या है कि भैया ये इसके डबल से 9 साल ज्यादा है, अब भी 9 साल ज्यादा है, तो मुझे अगर इन दोनों को बढ़ावा करना है तो यहाँ पर 9 प्लस करना पड़ेगा अब भी, ठीक है। चलिए तो इसको जरा हमें सोल्व करना है, बस इसको सोल्व करके आंसर निकालेंगे। ये आपके पास तो इस तरीके से है, 4x प्लस 7 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x और प्लस ये 7 टू 14 14 प्लस 9, ये आपके पास आएगा 4x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 14 और 9 कितना हो जाएगा सर, 23। तो 12 को धर लिया जाइए, 7 को धर लिया जाइए, ठीक है। तो 4x माइनस 2x यहाँ पर इस तरीके से आएगा और यहाँ पर आपको हो जाएगा 23 माइनस 7, जहाँ पर हम देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से 4x में से 2 जाएगा तो 2x बचेगा और 2x इक्वल्स टू 23 माइनस 7, यानी कि आपके यहाँ से कितना जाएगा 3, भाई 3 माइनस करो 4, यानी कि 16 बचेंगे सर, 16 और 8 से कटेगा कितनी बार, 2 से कटेगा कितनी बार, 8 बार, x की वैल्यू आ गई आपकी 8। क्या ये हमारा आंसर है? नहीं सर, ये हमारा आंसर नहीं है। उसने हमसे क्या पूछा है, उसने तो प्रेजेंट एज का रेशो, प्रेजेंट एज ये रही आपकी दोनों की, इनका रेशो पूछा है। तो यानी कि 4x प्लस 1 रेशो x प्लस 1, ठीक है, यहाँ पर आप x की वैल्यू डालिए, 8 तो 32 और 1 33 रेशो 8 और 1 9, ठीक है, तो 33 9 या फिर 3 से काटेंगे, 3 1 3 या कुछ तरीके से, और ये 3 टाइम्स कट जाएगा तो 11 रेशो 3 आपका आंसर होगा सर, 11 रेशो 3 आपका आंसर होगा। देखिए किस तरीके से हमें दिख रहा है, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सर। इसी के साथ वीडियो की खत्म होता है, कॉन्सेप्ट खत्म होता है और कॉन्सेप्ट से मैं सवाल सोल्व कर लिया है। आप चाहे तो ट्रिक आपके लिए होमवर्क है, वो क्या लगा देख सकते हो आप अपने दिमाग से, ऑप्शन चेक लगा देखिए यहाँ पर लग जाता है तो ठीक है, नहीं तो आपके सामने कौन सा किस तरीके से कर दिया है उससे कर लीजिएगा सवाल, जल्दी हो जाएगा। मिलते हैं आप सवाल के अंदर सर। वीडियो अगर आप पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना। चलिए।